हेलो दोस्तों, आई एम बेसिकली अ फोटोग्राफर, लेकिन मैंने कुछ लिखा है आसिफा के लिए। उसके साथ जो घिनौनी हरकत हुई, जितना अमानवीय हरकत जिसको कह सकते हैं, एक इंसान के द्वारा तो नहीं कहा जा सकता कि जिसने भी क्या वो इंसान था, शब्दों में जाहिर करना बहुत मुश्किल है उस चीज़ को। फिर भी मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, तो सुने आप लोग। डरते थे पापा जब मैं सहराओं की ओर जाती थी, डरते थे पापा जब मैं सहराओं की ओर जाती थी, दौड़े चले आते थे पापा जब जानवरों की शोर आती थी। मैं कहती पापा मैं उधर जंगलों में नहीं जाऊंगी, मैं कहती पापा मैं उधर जंगलों में नहीं जाऊंगी, जानवरों को देख वापस इंसानों की ओर लौट आऊंगी। लाडली थी घर की पर थी तो मैं गरीब, लाडली थी घर की पर थी तो मैं गरीब, सहेलियों के नाम पर बस बकरियां और घोड़े ही थे नसीब। मैं चहचहाती उनके संग और खिलखिलाती भी थी, मैं चहचहाती उनके संग और उनके संग खिलखिलाती भी थी, हाँ मैं बकरियों और घोड़ों के साथ घुल मिल जाती थी। उठा ले गए मुझे वो मेरे जानवरों को छोड़कर, जंगली भेड़िए थे इंसानी चोगा ओढ़कर। रोया चीखा चिल्लाया बहुत, दरिंदों ने कहा मज़ा आया बहुत, रोया चीखा चिल्लाया बहुत, दरिंदों ने कहा मज़ा आया बहुत, आपस में कहा इसको अभी और तड़पाएंगे, अपनी सारी की सारी मर्दानगी इस नन्ही सी बच्ची पर दिखाएंगे। बेटी की उम्र की बच्ची इन्हें कली नजर आई, मंदिर में जाकर नोचना मुझे इन्हें भली नजर आई। पापा मालूम है मुझे, बेटी हो गुम तो आंखें कहाँ सोती है, हर एक सांस के साथ ये दसियों बार रोती है। अपनी बेटी को आपने भी तो दर बदर खोजा होगा, अपनी बेटी को आपने भी दर बदर खोजा होगा, राम के तरह पेड़ पौधे से भी मेरा पता पूछा होगा। भगवान अल्लाह सब एक बताया था आपने, भगवान अल्लाह सब एक बताया था आपने, मंदिर को भी पाक जगह बताया था आपने। खुदा के वास्ते छोड़ दो हम ये कहते रहे, खुदा के वास्ते छोड़ दो हम ये कहते रहे, पर अपने ही खुदा के घर पापा वो मेरी इज्जत लूटते रहे। आसिफा को जब मारने ले जाया गया तो एक दरिंदा उसमें से कहता है कि अभी रुको, एक बार मुझे भी करने दो। मारने से पहले एक दरिंदे ने ख्वाहिश की, दूसरों ने तुरंत मेरे नंगे जिस्म की नुमाइश की। मारने से पहले एक दरिंदे ने ख्वाहिश की, दूसरों ने तुरंत मेरे नंगे जिस्म की नुमाइश की। लूटा खसोटा आखिर जी भर जाने तक, लूटा खसोटा आखिर जी भर जाने तक, फिर मारे पत्थर मुझे मेरे मर जाने तक। ये आसिफा की कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि लोगों को उसमें वो बच्ची नज़र नहीं आती, लोग उसका मजहब देखते हैं। अरे वो निर्भया हो आसिफा हो, सब एक है, सब एक बेटी है। आसिफा अगर जिंदा होती तो वो ये कहती, अपने मौत पर वो ये कहती, पर हाय मौत भी मेरी गजब हो गई, पर हाय मौत भी मेरी गजब हो गई, लड़की की बजाय मेरी पहचान मजहब हो गई।